As a sportsperson I would like to see every Indian healthy and fit Tobacco harms health and fitness All forms of tobacco are dangerous and deadly Please stay away from tobacco If you want to lead a healthy life I do so should you Let us raise the wall against tobacco हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे इन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टर्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रनवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता दूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुन के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता दूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया ऑफ इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सॉन्ग होगा टली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करो मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता दूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहाँ जा के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगेज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्यूनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप आपके एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टर्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे इन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए जरूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीलिए इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप उन पर एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप उन पर एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे अगर मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टर्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 8 अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर पर का एन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता बताऊँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहाँ जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडर अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रनवीर शौर्य ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओम पुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक करोड़ रुपये का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक करोड़ रुपये का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्ति किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुन करके एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्ति किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहाँ जा के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूँ कि दो में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूँ कि दो में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे अगर मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद यह बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रनवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुन के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूँ कि दो में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे अगर मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता दूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रनवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपये का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता दूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे इस डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप उन पर एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आई पर दस में से पाँच अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप उन पर एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप उन पर का एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुन करके एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौर्य ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टर्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जाकर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे इन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कम्प्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो हज़ार आठ की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवी की आई एम डी बी रेटिंग की तो मूवी ने आई एम डी बी पर दस में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्ति किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करद तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमैक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे करो मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहाँ जा के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओम पुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूँ और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहां जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2008 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंग इज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे एन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंग इस किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त 2008 में मूवी को रिलीज़ किया गया था 136 मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट 2008 में 30 करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूँ कि दो में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे इन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कम्प्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना के कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज़ किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी ओर ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के इन्जॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है सिंगज़ किंग दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं ईयर की टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं और मेरा रिव्यू देने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छी मूवी देख करके अपना डे इन्जॉय कर पाएँ एंड दोस्तों आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दो मिनट के लिए ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में सिंगज किंग सन दो की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनीस अनीस बैजमी के द्वारा एंड मूवी का स्क्रीन प्ले किया गया है अनीस बैजमी एंड सुरेश नायर के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने एंड कैटरीना कैफ ने ओमपुरी ने रणवीर शौरे ने नेहा धोपिया ने जावेद जाफरी एंड सोनू सूद ने एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है चौधरी राकेश वालिया के द्वारा एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम आर डी बी के द्वारा मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड बिग पिक्चर्स इंडिया इंडियन फिल्म्स के द्वारा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आठ अगस्त दो हज़ार आठ में मूवी को रिलीज किया गया था एक सौ छत्तीस मिनट की है मूवी है हिंदी भाषा में मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है और इजीली इस आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं मूवी का बजट दो हज़ार आठ में तीस करोड़ रुपए का था और मूवी सुपरहिट रही एंड 136 करोड़ रुपए का मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट कर लिया है तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 की मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने 136 करोड़ रुपए का बिज़नेस हिट कर लिया साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर 10 में से पाँच दशमलव सात अंक प्राप्त किए हैं जो है कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी एवरेज है एंड दोस्तों पर्सनल फीडबैक की बात करूँ तो इस मूवी को मैंने देखा हुआ है अक्षय कुमार की अच्छी एक अच्छी मूवी हम इसे कह सकते हैं एंड आपको बता दूं कि 2008 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज हुई थी टॉप टेन मूवीज़ में से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है यह मूवी सिंग इज़ किंग एंड इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला सॉन्ग होगा सिंग इज़ किंग दूसरा सॉन्ग होगा जी करदा तीसरा सॉन्ग होगा बस एक किंग एंड फोर्थ सॉन्ग होगा तेरी और ये थोड़ा अच्छा सॉन्ग है इसे आप सुनकर के एंजॉय कर सकते हैं एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा भूतनी के एंड सिक्स सॉन्ग होगा टल्ली के बाकी और इन सॉन्ग्स के आपको रिमेक्स वर्जन देखने के लिए मिलेंगे बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में तो शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी बता देता हूँ इस मूवी में एक हैप्पी नाम के शरारती लड़के की कहानी दिखाई गई है हैप्पी से पूरा गांव परेशान है इसीलिए उसे लखन को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सके लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी वहां जा कर के वहीं बस जाता है और उसे मजबूरन स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेनी होती है तो वहाँ जाने के बाद वो अच्छे काम करता है डॉन बनने के बाद या बुरे काम यह आपको मूवी देख करके पता चलेगा एंड मूवी के अंदर अच्छी कॉमेडी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी, भी बोर नहीं करेगी तो दोस्तों मूवी देखिएगा मूवी का आनंद लीजिएगा आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आया है एंड दोस्तों आप सब इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें